ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो फाइनली आपका आ चुका लेक्चर नंबर 3। इससे पहले हम लोगों ने 1 2 देख चुका था, ठीक है। तो वॉइस अपना चल रहा है, तो मैंने जैसा कि वो बताया था कि भाई मैं सब कुछ यहाँ पर कराऊंगा, ग्रामर्स भी कराऊंगा, ठीक है, और इसके साथ वोकैब का भी सेशन लाऊंगा, जिसमें वोकैब में आपको क्या होगा, एंटो होगा, साइन होगा, वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेज होंगे, तो वे भी क्लास आपके आ ही चुके हैं, आप जाके देख भी सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि हम लोग का 2 पार्ट समाप्त हुआ था, 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया था, और भाई जैसा कि यहाँ पे आप लोग हेयरिंग डाल दो वॉइस का, ठीक है भाई, अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो वॉइस का, और यहाँ पे एजुकेशन लवर यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख रहे हो, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे स्टार्टिंग की क्लास आप देख लेना, बाकी बात मैं ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में सीधा मैं पॉइंट पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि देखो एड्रेसिंग बार बार हर वीडियो में करना ये सही नहीं है। चलो फ्रेंड्स, बाकी बातें बाद में देख लेना लेक्चर नंबर 1 का, कि मेरा स्ट्रेटजी क्या है पढ़ाने का, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन यहाँ पे देखना, कहता है क्या कि आई गेव वेजेस टू द लेबोरियस ऑन संडेज, ठीक है। देखो यह क्वेश्चन एक्टिव में दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले आप मुझे एक बार बताओ यह क्वेश्चन कौन सा टेंस में है, जल्दी फटाफट, यह क्वेश्चन टेंस कौन सा टेंस का क्वेश्चन लग रहा है। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर मैंने बताया था कि कौन सा, कैसे मैं टेंस को पहचानी है कि यह वॉइस है, इस वॉइस का कौन सा टेंस है, जल्दी समझिए तो कौन सा टेंस है। आपने बिल्कुल समझा, ये है भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम लोग बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे सर, क्योंकि इस क्लास में इसमें क्या है, यस या यस लगा रखा, ठीक है, तो इसके लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहा हूँ। तो देखो भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो यहाँ पे बेयर तो होगा ही नहीं, क्योंकि तो पास्ट में आता है बेयर, तो ऑप्शन नंबर सी तो ऐसे ही समाप्त हो गया। ऑप्शन को एलिमिनेट करके बाद सीखने, मतलब क्वेश्चंस को बनाने के ट्राई करना, ठीक है। अब देखो, अब ये हैव बीन किस में लगता है, जब भाई परफेक्ट की बात आती है, तो परफेक्ट की तो बात यहाँ पे कर नहीं रही है, तो यहाँ पे हैव बीन तो होगा ही नहीं, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हैव बीन तो होगा नहीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी भी समाप्त हो गया। अभी बच रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, और देखो भाई यहां से लिखना यहां तक सबका सेम है, सबका सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पे माजरा फॉर्म जाता है इसमें, ईच और आर में लगे क्या भाई, तन का जरा सा जो भी स्पीड वाले थे ना स्टूडेंट, जरा से इसको क्वेश्चन को बना के दिखाना भाई, बनाइयो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ मैं ये बनाया था। तो इतना भाई ये मतलब कहना इतना माइनर सा इसके अंदर मिस्टेक कर रखा, आप देख भी रहे हो कि इज और आर में इतना मतलब अच्छा ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और लोग फंस जाते हैं। देखो वेजेस मींस दो तरह के इसमें आते हैं, ठीक ना, एक तो आता है वेजेस जब भाई टॉकिंग अबाउट पेमेंट, ठीक है, जब वेजेस क्या पेमेंट की बात करे तो क्या लगता है, और जब वेजेस रिजल्ट की बात करे तो क्या लगता है। देखो जब वेजेस पेमेंट की बात करे ना, मतलब मजदूरी की बात करे, तो वहां पे हम प्यूरल नाउन समझते हैं उसको, ठीक है, लेकिन जब वेजेज रिजल्ट की बात करें तो हम वहां पे सिंगुलर नाउन समझते हैं। एक ये क्वेश्चन आप पॉइंट लिखी हो, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जब वेजेज किसकी बात करें भाई, पेमेंट की बात करें, और जब वेजेज रिजल्ट की बात करें, जब वेजेज पेमेंट की बात करें, तो आप लगाना वहां पे क्या चीज, प्यूरल नाउन, प्यूरल होते हैं, ठीक ना, तो प्यूरल होंगे तो भाई प्यूरल के साथ वर्ब भी लगेगा ना, लेकिन जब पेजेज पेमेंट की बात करेगा, सॉरी हाँ, जब पेजेज पेमेंट की बात करेगा ये प्यूरल, लेकिन जब पेजेज रिजल्ट की बात करेगा तो वे हो जाएगा आपका सिंगुलर, ठीक है भाई। जब पेजेज पेमेंट की बात करे तो प्यूरल, जब पेजेज रिजल्ट की बात करे तो सिंगुलर। तो आप एक बात मुझे बताओ कि यहाँ पे पेमेंट की बात करी कि रिजल्ट की बात कर रही है, इस क्वेश्चन में आपको रिजल्ट की बात तो हो नहीं रही है, क्योंकि भाई लेबर सबको क्या मजदूरी देने की बात कर रही है ना, जब मजदूरी देने की बात कर रही है तो मजदूरी के सेंस में बेजेज यूज हुआ है, जब मजदूरी के सेंस में बेजेज यूज हुआ है तो हम उसको प्यूरल समझते हैं, तो प्यूरल समझते हैं तो आर वाला सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट हियर, 110% ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट हियर, कोई भी इसको गलत नहीं कर सकता, 110% एब्सोल्युटली राइट है आपका ऑप्शन नंबर ए, समझ गए। देखो इस कितना, देखो एक्सेप्शंस क्वेश्चंस है, देखो नॉर्मली तो सबको पता है भाई, और नॉर्मली में भी नहीं पूछे जाते हैं। देखो टेंस बेस पे अब कितना ही क्वेश्चन, देखो भाई टेंस बेस पे अधिकतर इंसान को पता रहता है, लेकिन वो बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चंस मैंने देखा तो फटाक से दिमाग में आया भाई यहाँ पे देखो वर्ब कैसा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वर्क हुआ, तो ऐसे चीजें बनाओ, ठीक है। तो समझ गए कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, कितना मतलब मैंने आसानी से इस क्वेश्चन को बना दिया, पहले ऑप्शन को ना एलिमिनेट करना सीखो, देखो ये हुआ नहीं, ये हुआ नहीं, तो ये दोनों में से एक है, तो बात यहाँ पे वेजेस की है, बात यहाँ पे लेबर की है, मजदूरी की बात है, या तो मजदूरी की बात है तो प्यूरल नाउन, और जब रिजल्ट की बात है तो सिंगुलर, जब मजदूरी की बात यहाँ पे तो आर लगाओ भाई, ये लगाने के क्या तू के भाई, ठीक है भाई।
सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा मैंने इसका आंसर दिया। तो बढ़ते हैं इसी अंदाज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ध्यान से देखना। ओके भाई लोग आ जाओ, ये क्वेश्चन मना कर देखो फटाक से। काइंडली सेंड मी 100 रुपीज, ठीक है भाई, काइंडली सेंड मी 100। इसके चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, ठीक है, जल्दी से बनाइए फटाक से, वीडियो पॉज किया 20 सेकंड का समझ लीजिए, बनाइए जल्दी से। चलिए आई होप कि आपने ऐसा किया होगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देना चाहूंगा, ठीक है, इसका बताइए आप मुझे, ठीक है। इधर दिख रहा है क्या, मे बी आप बहुत स्पेशल, प्लीज प्लीज हेल्प मी, ठीक है, या दिख रहा है, ये क्वेश्चन आइए, चलिए जल्दी से, प्लीज हेल्प मी। देखिए मैं पहले इसके पीछे का मैं पहले रूल बताता हूँ, ठीक है, देन आप खुद ब खुद क्वेश्चन करोगे, ठीक है। देखना जब भी क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन, मैं किधर, चलो नीचे ही लिख देता हूँ, कोई सीन वाली बात नहीं, जब भी क्वेश्चंस प्लीज या काइंडली, जब भी क्वेश्चन प्लीज या काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस पे शुरू हो, जब भी क्वेश्चन इस पैटर्न पे शुरू हो कि भाई प्लीज आ जाए, प्लीज के बाद काइंडली आ जाए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए एक्टिव वॉइस में, ठीक है भाई, एक्टिव वॉइस में, तो जरा देखना प्लीज हेल्प मी, प्लीज या काइंडली आ गया, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहां भी वही किया, काइंडली आ गया, देन आफ्टर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ठीक है, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट आ गया, राइट। चलो तो बनेगा कैसे, चलो मैं इसका स्ट्रक्चर आपको लिखाता हूँ नीचे, चलो ठीक है, मैं ऐसे नहीं देता हूँ, ठीक है। पैसिव वॉइस का ये तो एक्टिव आपको समझ गया, अब पैसिव वॉइस जरा देखना, यहाँ पे कहता क्या कि भाई लगेगा जब भी प्लीज या काइंडली होता है, इस दोनों को हटाकर लगेगा यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टी ओ टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस भर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपके रहने वाले हैं एक्टिव वॉइस का, सॉरी पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए। तो यहाँ पे ओ सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है भाई, यहाँ पे ना इसमें ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, सॉरी फ्रेंड्स, तरह यू आर रिक्वेस्टेड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज या काइंडली से क्वेश्चन अगर शुरू हो तो भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे, और देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, तो बने कैसे पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या माइंड मत करना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। देखना तो अब ये क्वेश्चन को बनाओ, प्लीज हेल्प मी, तो बनेगा कैसे, सिंपल सा बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद क्या बोला, टू लगाने के लिए, उसके तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब है, यहाँ पे हेल्प लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प, उसको ऑब्जेक्ट क्या है, मी, You are requested to help me, सही है क्या, दिख रहा है क्या, देखना जरा क्या दिख रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, सिंपल सा बात है, कोई झंझट कोई परेशानी नहीं हुआ। तो अब जरा इसे बना लो फटाफट अंदाज में, बना लो भाई, बोला कि काइंडली सेंड मी 100 रुपीज, बना लो भाई, देखो भाई ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेंड मी 100 रुपीज, सिंपल नंबर फर्स्ट, ये एब्सोल्युटली 110% ये क्वेश्चन आपका राइट हो गया है। तो आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं इसी अंदाज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, यू ओके यहाँ पे बिल भी, यू बिल भी, ठीक है, और बाकी भाई सब कुछ सेम, अगर यहाँ तक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिल भी लिखा जाएगा, ठीक है, और बाकी सब सेम है। देखना यहाँ पे फ्रेंड्स बिल भी है, सॉरी यहाँ अपने बिल है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे बिल है, ठीक है, तो आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बिल है, अब मैं बता दिया, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाइए आप, जल्दी से फटाक से इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करो और बनाने की ट्राई करो जल्दी से। चलो आई होप कि आपने ऐसा किया होगा। देखो जिन लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर बेसिक्स वाला बेसिक्स लेक्चर देखे होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन, एक वर्ड का क्वेश्चन आप यूं ही बना दोगे, देखो कैसे, भाई हमको पता चल गया भाई बिल भी है, एक्टिव वॉइस में बिल भी है, चेंज कर दो, बिल है तो चेंज कर दो बिल भी में, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट हियर, देखो आर तो होगा नहीं, बेयर तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट हियर, कहाँ इतना बड़ा क्वेश्चन था, विदिन अ सेकंड में क्वेश्चन बन रहा है यार,
तो यार बेसिक्स क्लियर होना चाहिए ना भाई, सबसे पहले बात है। तो यू आर, देखो यू आर लाफ्ड एट यू एट एंड योर प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड, देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि भाई ये फ्यूचर की बात करें तो आर तो होगा नहीं, ठीक है भाई। एंड यू बियर लाफ्ड एट एंड योर प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड, देखो यहाँ पे फ्यूचर की है तो बियर तो होगा नहीं, डेफिनेटली 110% चाहिए, ठीक है। तो आप ऑप्शन भाई एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, दो तो हमको मेरा मिला नहीं, तो अब यहाँ पे दो बच गया फ्यूचर वाली, एक सी और एक डी, ठीक है भाई। तो कह रहा है कि यू विल लाफ्ड एट एंड योर प्रपोजल कैन बी रिजेक्टेड, तो ये होगा नहीं भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिल का सिर्फ प्रयोग किया है, एक्टिव का एक्टिव डाल दिया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। जब ये नहीं होगा तभी ऑप्शन नंबर डी है, तो लास्ट तो होगा ही डेफिनेटली, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिल भी लगा रखा, तो यू विल बी लाफ्ड एट एंड योर प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड। आई होप कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रखा होगा, ठीक है। तो बेसिक से भी क्लियर आपके नहीं होंगे तो फिर आप ना देखो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने में कंफ्यूज करोगे, टाइम लगेगा। मैंने क्या देखा, कुछ भी देखा, मैंने मेरा बेसिक्स क्लियर पूरा है, मैंने सीधा देखा कि भाई यू एवरी वन बिल लाभ, जब से यहाँ पे ये बिल आ गया मेरे दिमाग में हमेशा फटाक समझ चाहिए भाई ये फ्यूचर का वाक्य है, फ्यूचर का वाक्य है एक्टिव वॉइस, देन चेंज कैसे होगा, ऐसी वॉइस में बिल भी होगा, बिल भी लगा तो भाई सिंपल सा बिल भी, तो बिल भी लगाने की बात है, तो यहाँ पे ये तो तीन होगा नहीं, सिंपल सा भी देना, 1 सेकंड क्वेश्चन बन गया। देख इतना आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो भाई क्वेश्चन मैं चुन चुन के आपके लिए लाया हूँ, आप टेंशन मत लो, सिर्फ और सिर्फ देखो, मैं यार एक मिनट फंस जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चंस को आप बनाइए जल्दी से, अगर ये क्वेश्चन आप बना लिए तो फ्रेंड्स बकई ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही फंसाव क्वेश्चन है, जल्दी बनाओ। फिर फ्रेंड्स इस क्वेश्चंस को मतलब बनाने से पहले मैं एक क्वेश्चंस और आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। आई होप इधर दिख रहा होगा मे बी, वो बहुत सर से, ठीक है। मैंगोज मैंगोज टेस्ट टेस्ट डिलीशियस DELICIOUS, आई होप कि डिलीशियस का स्पेलिंग सही है, दिख रहा है, चलो ठीक है, DELICIOUS सही है। देखो मैंगोज टेस्ट डिलीशियस, यह क्वेश्चन को आप जरा बनाइए जल्दी से। चलो मैं इसके पहले सॉरी इसका मैं एवे लिखाता हूँ, एक रूल्स लिखवाता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ, तो आई होप कि आप जब कॉन्सेप्ट लिख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए खाता क्या है। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के रूप में क्या, आदि वर्ब के रूप में आ जाए स्मेल, स्मेल टेस्ट, ठीक है, और शायद फील, ठीक है। अगर ये आ जाए और उसके बाद कैसा होगा भाई, प्लस एडजेक्टिव। देखो अगर भाई इस फॉर्म पर ये अगर एक्टिव वॉइस आता है ना, अगर इस कॉन्सेप्ट पे इस स्ट्रक्चर पे अगर आपका एक्टिव वॉइस आ रहा है, सब्जेक्ट स्मेल टेस्ट फील प्लस एडजेक्टिव, अगर इस यानी इस पे आ रहा है ना एडजेक्टिव, इस पे आ रहा है आपका एक्टिव वॉइस, तो देखो भाई बनाने का तरीका सिंपल सा, सबसे पहले ये बात बता दो मुझे कि इस कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो दोज फ्रूट सब्जेक्ट, उसके बाद स्मेल या टेस्ट, तो स्मेल, उसके बाद एडजेक्टिव स्वीट, यहाँ पे देख लो मैंगो सब्जेक्ट, इस टेस्ट यहाँ पे आ गया, उसको डिलीशियस यहाँ पे आ गया एडजेक्टिव, तो क्वेश्चन फॉर्मूला बढ़ेगा, तो बनेगा कैसे, सिंपल सा बात है, कुछ भी करना नहीं है। आई होप कि नीचे इधर के साइड में दिख रहा होगा मे बी, ओके लगा देना सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट लगा दिए। देन आफ्टर लगाना क्या, आपको सिंपल सा सब्जेक्ट लगाने के बाद आपको लगा देना इज, आई होप दिख रहा होगा, आर आई एम इज एम आर, ठीक है, उसके बाद वाज या वेयर, इन इनमें से कोई एक लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा आपका, जल्दी बताओ, उसके बाद आपका एक्स भाई लगेगा, बोले तो एडजेक्टिव लगेगा, यदि इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ एक्स, ठीक है, एडजेक्टिव लगेगा, जब एडजेक्टिव लगेगा तो एडजेक्टिव लगेगा तो भाई अपना ये सोच रहा है कि भाई मैं अकेला आ रहा हूँ तो मैं कमजोर पड़ जा रहा हूँ, मैं अपने भाई को भी साथ में लेके आता हूँ, तो इसका भाई का नाम है वाई, इसका भाई का नाम है वाई, जिसका वेन, इसका भाई आ गया वाई, बोले तो वेन आ गया, ठीक है, ठीक है भाई, इसका मैंने वेन का नामकरण कर दिया वाई, तो एडजेक्टिव का भाई वाई आ गया। उसके बाद क्या बोलता है भाई कि नहीं हमको इतना से काम नहीं चलेगा, बहुत ही मतलब ज्यादा फौज मतलब वे एनिमी बहुत है, मुझे और कुछ चाहिए, तो उसके साथ देखो प्लस उसके बाद आपको लगाना है इट या दे, इट या दे दोनों में से कोई एक, कब क्या लगेगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, प्लस देखना यहां तक आप लगा लोगे, उसके बाद भाई क्या लगाना है आपको, जो भी रहेंगे ना बोले तो हेल्पिंग वर्ब ये लगा देना, ठीक है, उसके बाद लगा देना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखो ये रहने वाला है इसका स्ट्रक्चर,
बहुत ही प्यारा, सॉरी बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। तो आप ये इसे या पहले नोट डाउन कर ले, ये पैसिव वॉइस का और ये एक्टिव वॉइस का, ठीक है? आप इसे नोट डाउन पहले करें जल्दी से, दिन आप बताता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप कि आपने ऐसा कर ही लिया होगा। तो अब जरा बनाइए इस क्वेश्चन को। देखो, मैंगोज टेस्ट डिलीशियस, तो सबसे पहले क्या मैंगोज आ जाएगा, उसके बाद इज एम आर में से, तो यहाँ पे मैंगोज है। एक की तो बात हो रही है कि एक से अधिक की बात हो रही है, जल्दी बताइए। यहाँ पे एक की बात नहीं, एक से अधिक की बात हो रही है। जब एक से अधिक की बात होती है तो यहाँ पे आर का यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो अब यहाँ बताओ कि यह क्वेश्चन पास्ट टेंस का है कि प्रेजेंट टेंस का, जल्दी से बताइए। यह टेंस कौन सा है, जल्दी से। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यह टेंस जो है यह प्रेजेंट टेंस की वाक्य है, यानी पास्ट टेंस की वाक्य नहीं है। तो भाई वाचवेयर तो लगेगा ही नहीं, वाचवेयर नहीं लगेगा, तो इजे मारे में सबको एक लगेगा, तो यहाँ पे आर लगेगा बिकॉज ऑफ मैंगोज, जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंगोज आर लग गया। उसको एडजेक्टिव कौन है, डिलीशियस, तो मैंगोज आर डिलीशियस। अब बता रहा वेन, तो मैंगोज आर डिलीशियस वेन, उसके बाद इट और दे, देखो ध्यान से। देखो भाई, इट और दे कब का, देखो इट का प्रयोग वेन इट्स अ टॉकिंग अबाउट सिंगुलर, दे वेन इट्स अ टॉकिंग अबाउट प्लूरल। जब भाई सिंगुलर की बात करें, जब सिंगुलर हो क्वेश्चन में तो मैं इट का प्रयोग करेंगे, जब प्लूरल हो तो दे का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई? मैंने यहाँ पे इट का तो प्रयोग करना नहीं है भाई, दे का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लग जाएगा दे, ठीक है? दे लगने के बाद बोल रहा हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है भाई? तो यहाँ पे अब दे लगा दिए, तो अब दे लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाओगे, जल्दी बताओ। यहाँ पे आर ही लगा दोगे ना, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे आर लग गया, उसके बाद बता रहा वर्ब का थर्ड, जो कि टेस्ट है, तो टेस्ट का टेस्टेड। तो उसी प्रकार बनाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ना वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ठीक है? एक्सट्रीमली सॉरी, SMELT, ठीक है भाई? क्वेश्चन थोड़ा सा गलती टाइप बोले थे, ठीक है? देखना, तो क्वेश्चन है दोज फ्रूट्स आर स्वीट, ठीक है? तो इसका ऑप्शन है दोज फ्रूट आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, दोज फ्रूट्स आर सॉरी दोज फ्रूट्स इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, फिर है दोज फ्रूट वेयर स्वीट व्हेन दोज आर स्मेल्ट, ठीक है? एंड स्वीट आर स्मेल्ट बाई दोज फ्रूट्स। देखना कैसे क्वेश्चन मैंने देखा भाई, क्वेश्चन में दिमाग दिमाग में आया भाई स्मेल या टेस्ट या फील ऐसा करके क्वेश्चन दिया है, तो उसका एडजेक्टिव दिया है, तो सीधा से मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला बैठ रहा। तो भाई सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये तो आपका होगा नहीं, तो इसका होगा नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर थ्री आपके पास है, आपका ऑप्शन नंबर थ्री आपके पास है, जो कि अब तो इजी हो गएंगे। तो चलिए देखिए, अब कह रहा भाई यहाँ पे फ्रूट्स यानी एक से अधिक की बात कर रही है, जब एक एक से अधिक की बात हो रही है तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ठीक है भाई? अब ए और सी बच गया। अब देखो ये प्रेजेंट की बात करिए ना, ये प्रेजेंट एनेफिटेंस की बात करिए, तो ये पास्ट है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट यार। हां भाई सिंपल सा बात है, देख लो, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ने, हां या यहां पे कहा था क्या, फ्रूट्स जो कि प्रेजेंट एनेफिटेंस का वाक्य है, वाज नहीं होगा, ठीक है? तो ये होगा नहीं भाई, ये एक से अधिक है, प्लूरल है, तो ये भी होगा नहीं, ठीक है? और यहाँ पे प्यूरल तो था, बट इसका स्ट्रक्चर क्या, स्वीट से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट से बनेगा, तो ये तो होगा नहीं, तो उसका ऑप्शन नंबर यही नहीं है। तो देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने किया इस फॉर्मूला के आधार पे दोज लगाया, दोज लगा दिए, जब यहाँ पे बोला क्या लगाने के लिए, दोज फ्रूट्स मतलब सब्जेक्ट दोज फ्रूट्स है, तो इज एम आर लगाने के लिए यहाँ पे आर ही क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि एक से अधिक है, प्लूरल है, तो सर एक से अधिक है, जो बियर भी तो लग सकता था, बट इट्स अ सेंटेंस आर इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो रीजन यहाँ पे मैंने आर का प्रयोग किया। आई होप कि यहाँ तक समझ गए। उसके बाद एडजेक्टिव बोला, तो यहाँ पे एडजेक्टिव सूट्स लगा दिए, उसके बाद वेन लगाने के लिए वेन लगा दिए, उसके बाद इट और दे लगाने के लिए, तो यहाँ पे क्या प्लूरल है, प्यूरल वाली सेंटेंस है, प्यूरल वाली सेंटेंस है, तो इट लगेगा नहीं, दे लगेगा, तो मैंने दे लगा दिया, जो कि सही की है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए तो क्या लगेगा भाई, आर लग जाएगा, आर लगा दिया यहाँ तो। उसके बाद बोला कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, स्मेल, मेन वर्ब है, उसका स्मेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्मेल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट ईयर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पे, कोई परेशानी नहीं। अगर भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स भाई, मतलब कहना भाई एक से क्वेश्चन देखे इसमें वाली बात आ गया, एग्जेक्टिव आ गया, सीधा सा क्वेश्चन ये वाला, ऑप्शन नंबर इज एब्सोल्युटली राइट हियर, ठीक है भाई? चलिए बढ़ते हैं इसी अंदाज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। चलिए एक क्वेश्चन से लिखना, ठीक है? CLOSE, क्लोज द विंडो, ठीक है? बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन, बनाइए क्लोज द विंडो, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन हमको कैसे लग रहा है, जल्दी से बताइए।
क्लोज द विंडो, भाई आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को आप आदेश कर रहे हो, जब ऑर्डर दे रहे हो आदेश दे रहे हो तो बनेगा कैसे भाई, सिंपल सा कुछ नहीं करना, बनेगा लेट से। सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं इसके कंसेप्ट लिखवा दूं कि क्वेश्चन पूछा कैसा, ठीक है। देखो अगर भाई सीधा उसके बाद लिख दो ऑब्जेक्ट, अगर भाई इस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आ जाए एक्टिव वॉइस में तो भाई ये ऑर्डर्ड वाले सेंटेंस होते हैं, याद रखना। तो अब बताओ यहाँ पर घर का फर्स्ट फोन क्लोज, यहाँ पे विंडोज द डोर, सॉरी क्लोज, घर का फर्स्ट फोन और द विंडो ऑब्जेक्ट, है कि नहीं। तो बनेगा सर कैसे, तो बनेगा सिंपल सा बात है भाई, बनेगा लेट से, लेट लगा देना। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला भाई ऑब्जेक्ट लगा देना, उसके बाद क्या बोला भाई लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट द विंडो बी प्लस घर का थर्ड फोन क्लोज, ठीक है। तो बन जाएगा लेट द विंडो, लेट द विंडो बी, उस वक्त क्लोज यहां पर भर रहा है तो क्लोज्ड, लेट द विंडो बी क्लोज्ड। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप फ्रेंड्स आपने ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदाज में एक क्वेश्चन और आप बनाइए, ठीक है, अब बना लेना। ओपन द लेटर, ये क्वेश्चन को आप बनाइएगा, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज और सीखना चाहूंगा, अगर सीधा ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बना के मुझे कमेंट करना, ठीक है। अगर सीधा क्वेश्चन में रहे कुछ भी ऐसे गो, सीधा क्वेश्चन है भाई गो, तो कैसे बनाइएगा, ये भी तो ऑर्डर वाली है, आदेश दे रहा। तो भाई देखो जब वाक्य में, ठीक है, कुछ भी ना हो ना, सब सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली वर्ब दिया रखा हो, वर्ब दिया रखा हो, तो भाई वह सेंटेंस कैसे बनेगा। देखो ये ऑर्डर वाली पहले सेंटेंस है, मैं बोला गो जाओ, ऑर्डर दे रहा हूं, तो ये बने कैसे, यू आर ऑर्डर से बनेगा कैसे, इसके पीछे का क्यों सर ऐसा ही क्यों, देखो वजह बताता हूं औरों की तरह नहीं। देखो ऐसा क्यों होगा, हम किसी को बोल रहे हैं जाने के लिए, उसको कौन बोल रहा है जाने के लिए, हम ही ने बोलेंगे भाई, हम किसको बोले, उसको बोले जाने के लिए, किसको हम बोले, किसको उसको बोले जाने के लिए, तो उसको बोले तो यू आर, हम अपने आप को तो बोल नहीं रहे कि भाई तुम जाओ, मैं बोला हूं किसी अदर पर्सन के बोलूंगा, किसी अदर पर्सन को बोलूंगा तो यू आर से बनेगा, यू आर भाई तुम जाओ, यू आर गो, ठीक है। तो यू आर गो तुम जाओ, तो भाई सीधा बना दो ना, यू आर ऑर्डर टू गो, सिंपल सवाल गो, तो यू आर ऑर्डर टू गो, यू आर ऑर्डर से बनेगा, लिख लो। यदि भाई सेंटेंस में केवल और केवल भर दिया रखा हो तो वैसे ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम यू आर ऑर्डर टू से बनाते हैं, यू आर ऑर्डर टू गो कर दो, बन जाएगा वो वाक्य। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको ये क्वेश्चन अपने बना लेना है और ये क्वेश्चंस को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलो ठीक है, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ओके आइए और इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी से, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, मैंने ये क्वेश्चंस का आप 20 सेकंड समय लीजिए, बनाइए जल्दी से, ठीक है। एक मिनट का समय लेकर बना सकते हैं, कोई सीन वाली बात नहीं, बहुत सारा आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट में करने रहते हैं तो कोई सीन नहीं है। लेकिन यार आप मान के चलो क्योंकि उसमें पैसेज भी रहते हैं तो जो कि 4 से 5 क्वेश्चन पैसे से पूछा जाता है तो उसी आपको क्वेश्चन टाइम फंस जाएगा, ठीक है। तो चलो अगर भाई जिस लोगों का बेसिक्स कंप्लीट होगा, लिटरली बता रहा हूँ, वह क्वेश्चंस को करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लिए होंगे, जिस व्यक्ति का ना बेसिक्स कंप्लीट होगा वो आसानी से क्वेश्चंस को कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो फ्रेंड्स सबसे पहले करेगा क्या, करेगा एक्सपेक्टेटर्स थ्रोन द स्टूड्स STREETS, ठीक है। तो सबसे पहले वे लड़का क्या देखेगा कि भाई ये क्वेश्चन कौन सा टेंस में है, सिंपल सा उसके पहले आप ही बता दो क्वेश्चन कौन सा टेंस में है। तो ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, क्यों, यहाँ पे थ्रोन्ड की बात कर रही है, ईडी लग रखा है, भर का सेकंड फॉर्म लग रखा है और यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उसके दिमाग में एक ही फॉर्मूला घूमेगा कि सब्जेक्ट प्लस भर का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है भाई। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ पे आर तो होगा नहीं, सिंपल सा अगर करें इधर तो होगा नहीं। अब देखना बात यहाँ पे फंस गया यहाँ तक, अब देखना ए बी सी इसमें भाई ये पास्ट की बात कर रखी है, ठीक है। स्ट्रीट्स वेयर थ्रोन बाय द एक्सपेक्टेटर्स, देखो अब यहाँ पे ये होगा नहीं, थ्रोन होगा नहीं, पैसे में भर का थर्ड फॉर्म लगना, जब भर का थर्ड फॉर्म लगना तो यहाँ पे तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही गलत हो गया, ये होगा नहीं। अब भाई मेरे सामने ए और बी हो गया, देखो तो यहाँ भी भर का थर्ड फॉर्म लगा रखा, यहाँ भी भर का थर्ड फॉर्म लगा रखा, लेकिन यहाँ पे लगा रखा था कि नहीं लगा रखा था, ठीक है। चलो अब दोनों में से क्या होगा, अब सारा क्वेश्चन तो सेम है लेकिन बात देखो ये भी क्वेश्चन सेम है यहाँ तक, ये भी यहाँ तक सेम है, लेकिन बात फंस जाती है यहाँ पे आके प्रीपोजिशन में। देखो जनरली बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जल्दी से दिमाग में से निकालो,
कि भाई जल्दी से दिमाग में सुनकर कोई थ्रोन के साथ बाई का नहीं, थ्रोन के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, थ्रोन के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, थ्रोन के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता। अब अंदर फील करो कि थ्रोन के साथ बीत का प्रयोग किया जाता, थ्रोन के साथ बीत का प्रयोग किया जाता, थ्रोन के साथ बीत का प्रयोग किया जाता। याद रखिए कि भाई थ्रोन के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया जाता, जनरली वी कैन यूज बाई बट भाई हर समय नहीं, ऑलवेज वाला बात नहीं, ऑलवेज के केस में कुछ भी नहीं होता इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे विथ का प्रयोग होगा, तो ये क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता 110% आपका ऑप्शन नंबर जो है ना भाई एकदम ये सही है, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है 110%, कोई इसको काट नहीं सकता। आपका ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट है, बी आप लिख लो भाई कि इसके साथ विथ का प्रयोग किया जाता है, आप लिख लो। देखो या बेसिक तो सबके पता रहता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सीखो ना, ताकि देखो अब क्वेश्चन में क्या करता ना, बहुत कम ही क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिसमें बाई वगैरह पूछा जाता है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि देखो भाई इसके साथ ये क्वेश्चन आपसे कहा मांगता है, ये क्वेश्चन आपको कहता है कि आप दो इसको, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से फटाक से, आप इसको लिखते भी जाना फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा नहीं कि यार लिखते भी जाओ मस्त अच्छा से आपको याद हो जाएंगे सब। चलिए तो मैं इसको इरेज करता हूँ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाले हैं। चलो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बना, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, अगर इस भाई क्वेश्चन को बना लिए तो बाकी में यार आप मतलब देखो सही में आपका सिलेक्शन पक्का यार, क्वेश्चन बनाओ बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आपका मतलब दिमाग दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन को, ठीक है भाई। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए जल्दी से, फटाफट अंदाजे बनाइए क्वेश्चन उस क्वेश्चन को करके, हैव दिस गेट क्रैश्ड, जल्दी से बनाइए। देखो सीधा मैं बता देता हूँ, अगर भाई क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना, हैव ठीक है प्लस नाउन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म सुनो, हैव हो दिस गेट नाउन वर्ब का थर्ड फॉर्म है क्या, देखो जरा सा जल्दी से देखो जरा सा, अगर क्वेश्चन का पैटर्न हैव प्लस नाउन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से हो तो कुछ भी नहीं करना भाई, है प्लस नाउन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से हो तो ऐसे ही दिमाग में मेरा बात है यार, मेरे क्वेश्चन इस पैटर्न पे है तो सीधा मेरे दिमाग में एक ही बात आएगा कि गेट प्लस समवन से बनेगा, कुछ भी नहीं करना, गेट प्लस अमाउंट से बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट हियर 110% ये क्वेश्चन का सही है 110% आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन को, बहुत लोग यहाँ पे लेट से बनाएंगे, बहुत लोग लेट दिस गेट बी क्रैश, बहुत लोग यहाँ पे लेट से बनाएंगे, लेकिन भाई नहीं गेट लेट से नहीं बनेगा, आपको याद रखना चाहिए कि भाई हैव प्लस नाउन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म से बने तो आपका ऑप्शन नंबर बी को सैटिस्फाई करें, गेट प्लस अमाउंट से बनेगा, ये क्वेश्चन दिमाग में है आपको याद कर ले, जल्दी से आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन फंसाऊ क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको पहले ही बोला था कि आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके बनाइए, तो वो सिंपल सा करें कि हैव दिस गेट क्रैश, तो कुछ भी नहीं ज्यादा सोचना, कुछ भी इधर उधर के बात नहीं करना, कुछ भी रूल्स याद नहीं करना, टेंस फेंस मॉडल वर्ब भाई प्रोविजन वाला ऑर्डर वाला कुछ भी नहीं, सिंपल सा दिमाग में रखना कि हैव आ गया, नाउन आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, तो बनेगा कैसे, सिंपल सा बात है, एक लाइन दिमाग में रखो, कुछ भी रूल इसका रूल भी याद नहीं करना, एक लाइन याद रखना कि भाई गेट प्लस समवन बस, तो गेट प्लस समवन गेट समवन टू बी ए टू क्रैश दिस गेट, आई होप कि आप ये क्लियर हो गए होंगे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कुछ इस प्रकार से होने वाला है, चलिए ये रहने वाला आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो मतलब मेरे घर में ना कुछ काम होने वाला था, उसके लिए मैं आधा घंटा में बोला स्पेशली कि भाई रुक जाओ ना, ठीक है। तो देखो भाई ये क्वेश्चन मैंने आपको इस क्वेश्चन के पैटर्न में आपको क्वेश्चन नंबर सॉरी लेक्चर नंबर सेकंड में आपने बताया था आपको, ठीक है, कि अभी फर्स्ट में बताया था, आई डोंट नो मतलब देखो ये क्वेश्चन सबसे पहले बता दो कौन सा वॉइस में है, जल्दी से बताओ भाई, ये क्वेश्चन आपका पैसिव वॉइस में क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन का पैटर्न ही भाई होम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और भी इसके पीछे का वजह आप देख लो मेरा पीछे के लेक्चर पता चल जाएगा। तो ये क्वेश्चन पैसिव का बनेगा एक्टिव में, अगर आपको दिमाग में एक बात रहा होगा कि भाई अगर क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो जाए तो लगेगा बाई हुम, क्या लगेगा बाई हुम लगेगा, तो बाई हुम लगेगा तो बना दो बाई हुम। और हाँ एक बात और बताओ, यह क्वेश्चन कौन सा टेंस का लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सॉरी प्रेजेंट टेंस का लग रहा है, तो प्रेजेंट टेंस में क्या होता था, हम इज एम आर किस में लगाते थे, कौन सा टेंस में लगाते थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज एम आर लगाते थे, जैसे कि रहता था ना भाई कि राम इट्स अ मैंगो, तो हमने क्या बनाया था कि ए मैंगो, राम इट्स अ मैंगो, ए मैंगो इज लगता था, उसके बाद ए मैंगो इज ईटन बाय राम, ठीक है भाई, ऐसा इज लगता था ना, तो चलो तो इसी तरह यहाँ पे
इज इसको चेंज किए तो इज लगा, तो भाई जब यहाँ पे इज है तो परसेंट इंडिपेंडेंस में चेंज होगा, तो बाई हुम का सीधा लिखेगा हु, ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या लिखेगा भाई, इसी में इसका काम समाप्त है, इट यानी वर्ब लिखेगा, तो यहाँ पे कौन है, ईटन है, तो ईटन का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इट, तो यहाँ होगा ईटन, सॉरी हाँ सॉरी ईटन है ना, तो यहाँ पे इट्स होगा, हु इट्स लगा दो राइस, हु इट्स राइस का बन जाएगा, ये एक्टिव वॉइस है भाई, तो हु इट्स राइट्स का बन जाएगा, हु इट्स राइस का बन जाएगा, बाई हुम इज राइस ईटन, ठीक है। तो देखना भाई कितना आसानी से उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि फ्रेंड्स इसमें कुछ आपको नए नए क्वेश्चन नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी सीखने को मिले होंगे, कुछ ओल्ड से न्यू भी सीखने को मिले होंगे, जो कि आपके न्यू पैटर्न पे बहुत ही काफी हेल्प मिलेगा आपको क्वेश्चन को करने में, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड लव लव। लेकिन 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 फ्रेंड्स आपका तो काम समाप्त हो गया, मैंने आपको पढ़ा दिया आपने सीख लिया, लेकिन आपका काम यहीं तक समाप्त नहीं होता। यदि मैं फ्रेंड्स आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि मेरे लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा ही मेरे से प्यार आ रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना, वहाँ पे एक इंस्टाग्राम टेलीग्राम और ट्विटर का मेरा हैंडल मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी फॉलो करके कुछ भी वहाँ पर मैंने बातें कर सकते हैं, मैं आपके लिए एनी टाइम अवेलेबल रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अगर यहाँ तक आपने मेरा वीडियो को देखा तो बाकी में आपके अंदर पेशेंस है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।